मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और मैं एक स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हूँ. और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्ने के ऊपर. आप घर बैठ के विदाउट मेडिकेशन आप एक्ने को कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं. तो आज मैं एक छोटा सा सीक्रेट बताऊंगा आप लोगों को, छोटा सा वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो इसके लिए आपको यूज़ करना है एप्पल साइडर विनेगर. ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ. इट्स अ एप्पल साइडर विनेगर. तो इट्स अ विनेगर. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई ट्वाइस अ डे. ओके, सो बेसिकली इट्स एसिडिक. सो जो इसके एक प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, फंगल इन्फेक्शन को किल कर देता है. तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे लोग इसको खाने में भी यूज़ करते हैं, बट मैं आपको भी सब अप्लाई करना है इसको. सिंपल सा तरीका है. अगर आपके बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं और अगर रेगुलर सही नहीं हो रहे आफ्टर मेडिकेशन ऑल्सो, तो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट एक छोटा सा रेजिम बना लीजिए. एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लेना है आपको. ओके, और इसमें आपको दो ढक्कन पानी लेना है. ओके, जस्ट इसका रेशियो डबल कर दीजिएगा और आप उसको तीन ढक्कन भी कर सकते हैं. इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसको आप मिक्स करके आप इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग दो बार अप्लाई करिए. जस्ट डिप करिए और पूरे फेस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट टैप टैप करके माइट पे आपको हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है. और अगर आपका एक कट है, ओपन वुंड है, तो प्लीज़ वहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा. बट इसमें आप एक्ने में अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बेसिकली एक्ने के बैक्टीरिया को मार देता है, जो पी एक्ने बैक्टीरिया होते हैं जो स्किन पोर्स में होते हैं, तो ये इसको किल कर देता है. तो बहुत अच्छी रेमेडी है. आप घर बैठ के इसको फॉलो करिए और बहुत सस्ता सा सुंदर सा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ. दूसरी बात, अगर आप सारी मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं, तो माइट बी आप अपने पिलो को चेंज कीजिए. हम जिस पिलो में सोते हैं, हम लोग जब बाहर से आते हैं तो बहुत सारे गंदगी हमारे बॉडी में लगी रहती है, कपड़ों में लगी रहती है, हमारे हाथों में लगी रहती है, बालों में लगी रहती है. हम उसमें जब डेली सोते हैं तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं. तो आप जब मेडिकेशन लेते भी हैं तो वो आप जब रात में सोते हैं तो वापस से वो बैक्टीरिया आपके फेस में वापस से चले जाते हैं, तो वो वापस आपको डैमेज कर सकते हैं. तो अपने पिलो के कवर को चेंज कीजिए, हर हफ्ते में एक बार उसको वॉश करिए. और साथ ही साथ आपको जो जो पिलो है उसको भी वॉश करिए, एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार उसको वॉश करिए. कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और हम लोग जाने अनजाने में उसको यूज़ करते रहते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं डैमेज करती है. तो ये आज छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है वो एक्ने साइडर विनेगर के ऊपर है और एक्ने के लिए है. तो जस्ट मैं फिर से बता देता हूँ, एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लीजिएगा और दो ढक्कन पानी लीजिएगा. उसको अच्छे से घोर के आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में उसको अप्लाई करना है, ताकि वो एक्ने के बैक्टीरिया को किल कर दे. ये बेसिकली आपके ऑयल, अगर फेस में ऑयल होगा उसको भी रिमूव कर देगा और उसको आपको लगा के छोड़ देना है. ये बहुत अच्छी छोटी सी टिप है, जस्ट फॉलो कीजिएगा. और पसंद आए तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. माई आईडी इज़ डॉक्टर अभिनीत गुप्ता. सो स्टे ट्यून. Bye.